रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनॉल, जहां पर भी स्किन केयर के बारे में बात करो हर व्यक्ति एक ही बात कर रहा है रेटिनॉल सीरम के बारे में। और करे भी क्यों ना, क्योंकि रेटिनॉल सीरम मॉडर्न साइंस के पैमाने पर एक खरा उतरने वाला सीरम है, जिसने ये प्रूव कर दिया है कि ये हमारी एजिंग को काफ़ी हद तक डिले कर सकता है। क्योंकि ये मेजरली हमारी स्किन में तीन फंक्शंस प्ले करता है। नंबर वन, ये हमारी स्किन के ऊपर जमा जितने डेड सेल्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है, जिसकी वजह से जो नई कोशिकाएं होती हैं वो बाहर आती हैं। और जब बाहर ये कोशिकाएं निकल कर आती हैं तो इस पर एजिंग के जो निशान होते हैं वो काफी हल्के होते हैं या फिर नहीं होते हैं। नंबर टू, ये हमारी स्किन के अंदर कॉलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं कुछ ऐसे नैनो फाइबर्स जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो एज बढ़ने की वजह से कॉलेजन कोलैप्स हो जाता है वही वापस से डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से एजिंग के जो साइंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और नंबर तीन, ये हमारी स्किन के अंदर नेचुरली एक हेल्दी अपीयरेंस देता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। तो ये तीन मेजर कारण हैं जिनकी वजह से आज रेटिनॉल सीरम स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे लोग आप में से भी शायद इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन हर व्यक्ति रेटिनॉल सीरम को अफोर्ड कर सके ये जरूरी नहीं है या ये पॉसिबल नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा घर में बनने वाले एक DIY रेटिनॉल सीरम के बारे में, ताकि आप इसे अपने घर में बहुत आसानी से बना सको और ये अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सको कि जिन चीज़ों को मिला करके आपने बनाया है वो सारी के सारी नेचुरल हैं और बहुत ज़्यादा सेफ हैं, जिनकी वजह से आपकी स्किन को सिर्फ फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आप भी इस DIY रेटिनॉल सीरम को देखना चाहते हैं किस तरीके से ये बन रहा है, कैसे ये काम करता है, सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है सो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। सो दोस्तों, जो रेटिनॉल होता है वो बेसिकली विटामिन ए से डिराइव किया गया होता है। विटामिन ए जो है वो एक नेचुरली एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वाला विटामिन है, जो कि हमारी स्किन को रिजुविनेट करने में, हमारी स्किन में होने वाले जो एक्ने होते हैं उनको खत्म करने में और हमारी स्किन की एजिंग को भी डिले करने में हमारी मदद करता है। अब जब हम इस विटामिन ए से बनने वाले रेटिनॉल सीरम की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसा नेचुरल ढूंढना होगा जिसके अंदर रेटिनॉल हो। तो ऐसा एक बीज जो है, जो मैं बहुत समय से आप सबको बोलता आया हूं कि आप अपने रूटीन में शामिल कर लो, लेकिन आप मानते नहीं हो, इस बीज का नाम है अलिव सीड्स। अगर आप इसे रोज रात को एक चम्मच भिगो दो एक ग्लास पानी के अंदर और सुबह आप इसे पी जाओ, जैसे चिया सीड फूल जाते बिल्कुल वैसे ही अलिव सीड्स भी फूल जाते हैं। इसे हिंदी में हलीम के बीज भी कहा जाता है। ये फूले हुए बीज जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर एक साइन है कि इसके ऊपर की जो आउटर लेयर है वो रेटिनॉल है। बेसिकली यही वो चीज़ है जो कि एक्चुअली हम सीरम में लेते हैं। सो मेक श्योर अगर आप इसे लेना चाहते हो इनटेक के लिए तो जरूर शामिल करो। 16-17 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति एक ग्लास पानी ले रात को सोने से पहले, उसमें एक चम्मच अब अलिव सीड भिगोइए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह ब्रश करने के बाद इसे निगल जाइए। ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाला है। वापस आते हैं अपने रेटिनॉल सीरम की तरफ। तो हमें यहाँ पे अलिव सीड्स लेने हैं क्योंकि अलिव सीड्स के अंदर विटामिन ए रेटिनॉल बहुत होता है और ये बहुत सारी गूगल रिसर्चेस में पाया गया है। आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको आइडिया इसके बारे में लग जाएगा। अब जब आप इसको रेटिनॉल सीरम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एज इट इज बीज नहीं लेना होता है, हमें इसको एक्टिवेट करना होता है। और एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चम्मच अलिव सीड्स लेंगे। इस 2 चम्मच अलिव सीड के अंदर लगभग हमें यहाँ पर 1 जो ग्लास है वो पानी का डाल देना है, जैसा अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पानी इसको बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि पानी जितना ज़्यादा दोगे उसके अंदर जो रेटिनॉल है वो उतना ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट होगा। इसको भिगो करके लगभग 4 से 5 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 4 से 5 घंटे के बाद अब आप देख पा रहे हो कि ये बहुत गाढ़ा हो गया है, पानी जितना था इन बीजों ने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब हमारा रेटिनॉल इसमें से निकालने के लिए तैयार है। अब इन बीजों को हमें छानना है, तो एक छलनी ले लीजिए या फिर एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, मलमल का कपड़ा ले लीजिए, उसमें डाल करके आप इसे छानिए। और आप देख पा रहे हो कि जो नीचे एक ट्रांसपेरेंट सा आपको जेली जैसा जो निकल रहा है, जो मिल रहा है, वो बेसिकली रेटिनॉल है।
ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो स्किन को ड्राइनेस देगा। सो बहुत ज़रूरी है कि इसको बाकी चीज़ों के साथ मिलाया जाए, जो मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये वो रेटिनॉल है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हमें मार्केट से लेना पड़ता है, और उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। तो अगर अब तक भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इस सीरम को, मतलब ये जो रेटिनॉल का जो जेली हमारे पास आया है, इसके लगभग 2 चम्मच मैंने ले लिए हैं, 2 ही चम्मच निकले हैं इतने सारे मटेरियल में से। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर बाकी बचे हुए का क्या करें? बाकी जो बचा हुआ है आप उसे पी जाइए, आप उसे खा जाइए, ये आपके शरीर के अंदर जाकर के आपके कॉलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में आपकी मदद करने वाला है। अब आपने ये 2 चम्मच जो रेटिनॉल का सीरम लिया है, इसके अंदर हमें मिलाना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सब जानते हैं बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, और हर तरह की स्किन को एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको रिलैक्सेशन देने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो हमें यहाँ पर लेना है लगभग 2 चम्मच एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर स्किन अफेयर्स का एलोवेरा जेल ले रहा हूँ जो कि 100% ऑर्गेनिक है। आपको भी मैं इसे परचेज करने का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पिन कमेंट के अंदर। मेक श्योर कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने जितने भी DIYs बनाते हो वहाँ पर आप ट्राई कीजिएगा। मेरा तो फेवरेट है, डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी ये फेवरेट हो जाएगा। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। नेचुरल ह्यूमेक्टेंट का मतलब होता है स्किन को नमी देने वाला इंग्रेडिएंट, हवा में से नमी लेता है और हमारी स्किन को सप्लाई करता है। तो ग्लिसरीन यहाँ पे इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि एजिंग के बढ़ने की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो जब हम ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर नेचुरली हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, और ये नेचुरल हाइड्रेशन स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने ग्लिसरीन ले लेना है। नेक्स्ट जो इंग्रीडियंट दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है टोनर। मेरे पास में ग्रीन कॉफ़ी टोनर था जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर आपके पास ये ग्रीन कॉफ़ी टोनर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको मैं परचेस करने का लिंक भी दे दूंगा। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये ग्रीन कॉफ़ी से बना होने की वजह से इसमें कॉलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 चम्मच मैं यहाँ पे टोनर डाल रहा हूँ। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो है 2 कैप्सूल विटामिन ई के। विटामिन ई जो है वो स्किन को जो है वो नरिशमेंट देती है, स्किन को चमक देता है, स्किन का एंटी एजिंग प्रोसेस जो होता है उसको बूस्ट करता है, मतलब जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाए, एंटी एजिंग प्रोसेस बूस्ट हो जाए। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए और बहुत बढ़िया से आप इनको मिक्स कर लीजिए, और लीजिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बेहतरीन रेटिनॉल सीरम बनकर के तैयार है। इस सीरम को जब आप लगाने की बात सोचते हैं तो रात को ही लगाना है, क्योंकि जो रेटिनॉल कंटेंट हमने लिया है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। तो कभी भी इसको आपको दिन में नहीं लगाना, रात को लगाइए, चेहरा धो लीजिए। चेहरा धोने के लिए आप विटामिन सी फेस वॉश ले सकते हो, हाइड्रेटिंग फेस वॉश ले सकते हो। ये लेने के बाद लगभग 1/2 चम्मच ये सीरम लीजिए, चेहरे पर लगाइए, अच्छे से इसको जज्ब हो जाने दीजिए और छोड़ दीजिए। जब आप इसे लगातार 1 से 1.5 महीने के लिए लगाओगे तो आप देखोगे आपकी स्किन रिजुविनेट हो रही है, आपकी स्किन धीरे धीरे हेल्दी होती जा रही है। इस रेटिनॉल सीरम को बाहर से लगाने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखो कि आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। आपको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में लेना है, विटामिन्स अच्छी मात्रा में लेने हैं, मिनरल्स अच्छी मात्रा में लेने हैं, तभी जाकर के आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी बना पाओगे। सिर्फ बाहर से काम करने से स्किन हेल्दी नहीं होती है दोस्तों, तो मेक श्योर अपने पोषक तत्वों का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप किसी भी रीजन की वजह से अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप बिजी रहते हो, आप वर्किंग हो, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन्स नाम के जो कैप्सूल्स हैं ये जरूर ट्राई करने चाहिए। वेलनेस बीट जो है एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको नेचुरली सारे बने हुए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराता है। ये जो ब्यूटी विटामिन है मैंने खुद ने ट्राई किया है, और क्योंकि ये मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये हमारी स्किन की, हमारे बालों की और हमारे नेल्स की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन सबको पूरा करता है। और न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी को इंटरनली मिलता है तो उसका असर सीधा सीधा हमारी स्किन पर बाहर हमें रिफ्लेक्ट होता है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, खाना खाने के 1/2 घंटा बाद आप लीजिए, आप देखोगे 3 से 4 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं।
इसे अमेजोन और वेबसाइट से परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, पसंद आता है, कन्विंस अगर आप होते हैं तो जरूर खरीद करके ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये DIY रेटिनॉल सीरम पर वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि जल्दी ही हम 3 मिलियन का जो हमारे परिवार है इसे पूरा कर सकें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दिख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।